नमस्ते आदा श्रीकाल मैं हूँ सीए संकल्प कांत स्टे स्वागत है आपका तो सीएसीए सी ए में इंटर कॉस्टिंग का अगर आपका एग्जाम है देन दिस वीडियो इज अ गोल्ड माइंड फॉर यू गाइस सो सबसे पहला काम है स्टे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर लेना बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोज आएंगे एंड यू विल वॉन्ट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस मैं आपको बता रहा हूं मैं एक ऐसी सीरीज बना रहा हूँ वो भी आप प्रॉपरली अगर आप देख के चले गए देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स बाकी आपको अगर डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए देन इन दैट केस डेफिनेटली माई रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक बैचेज आर देर यू कैंड यूज दैट एज वेल अब ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ नोट्स की तो उसका कमेंट्स बॉक्स पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया मेरे टेलीग्राम चैनल का तो वहां से आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और दूसरी चीज डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है सो दैट यू विल गेट मोर सच कनेक्टेड कंटेंट फ्रॉम आई एंड एंड आपको और कुछ ऐसे ही वीडियोस या कॉन्सेप्ट्स में कोई कंफ्यूजन है या क्लैरिटी चाहिए यू कैन

उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में आप लोगों के वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई क्या चीजें इंक्लूडेड होती है क्या चीजें एक्सक्लूडेड होती है तो एक कम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का एक कंबाइंड क्वेश्चन है एंड इट इज आस्ट अ एमसीक्यू सो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड नो इट सो ऑल आई नीड इज फ्यू मिनट्स फ्रॉम योर एंड एंड डेफिनेटली ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एंड एग्जाम में अगर आता है तो एज इट इज बैठा बैठा क्वेश्चन आएगा मटीरियल तो uh, कॉस्टिंग तो well तो में इंटर कॉस्टिंग में मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा वो ओपन करना है नहीं है देन भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों के पास एटलीस्ट आपके कोई भी प्रोफेसर का uh, ये होगा या फिर मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल में आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं है, बोला कि अगर आपके पास मैजिक बुक है तो ठीक नहीं है तो ये जो नोट्स है वो एटलीस्ट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा वहां से आप लोग ले सकते हैं तो ये तो मैंने नोट्स में टेबुलर फॉर्म में बताया है इसी के साथ साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दिया है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस का एंड सिमिलर क्वेश्चन है आर में तो वो भी अपन लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे सो दैट एटलीस्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा सो दैट यू कम टू नो दैट हाउ दिस थिंग इज टू बी मैनेज प्रैक्टिकली एज वेल तो इनकेस मॉड्यूल है तो आप मॉड्यूल में ओपन कर सकते हैं ये पेज एंड गेट इट इफ नॉट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम देर वैल्यूएशन ऑफ मटीरियल होगी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल की बात करता हूं तो ये बॉटल बनाने के लिए मुझे काफी सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत लगी होगी जैसे कि प्लास्टिक हो गया या उससे रिलेटेड जो कनेक्टेड बटन एंड ऑल ऑफ दैट सो वो चीज जो मैं मंगा रहा हूं मेरे फैक्ट्री में वो मंगवाते वक्त देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव एंड उससे रिलेटेड कुछ कैश डिस्काउंट भी मिला है ये सारी चीजों का क्या ट्रीटमेंट होगा ये अपन अभी करने वाले वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट में पे अटेंशन तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट तो कौन सी चीजें डिडक्ट होगी तो से फॉर एग्जांपल मेरे को ये रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए टोटल लिस्ट प्राइस बोला मेरे सप्लायर ने वन लाख रुपीस बट बिकॉज मैंने बल्क में ऑर्डर दिया तो उसने मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जिसको अपन बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो वो मैं सबसे पहले माइनस कर लूंगा तो वन लाख रुपीज का मैंने रॉ मटीरियल मंगवाया और उस पर उसने मुझे टेन का क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट दिया है देन इन दैट केस इट विल बी डिडक्टेड अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट या इंसेंटिव मिला है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से दैट ऑल्सो विल बी डिडक्टेड डन कौन सी चीजें डिडक्ट नहीं होगी या कौन सी चीजें एड नहीं होगी जिसके लिए देखो मैंने वर्ड यूज किया है नो no इफेक्ट तो पहला है मेरा कैश डिस्काउंट तो अगर आपको क्वांटिटी या ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो एक लाख रुपए से वो टेन परसेंट का क्वानिटी ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा नाइनटी थाउजेंड बट समझो उसने आपको कैश डिस्काउंट दिया उसने बोला कि थर्टी डेज के अंदर अगर पेमेंट कर दिया तो थ्री परसेंट का कैश डिस्काउंट होगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा नो इफेक्ट नो इफेक्ट नो इफेक्ट सो कैश डिस्काउंट का नो इफेक्ट डीमरेज है जैसे डिले इन अपलोडिंग या फिर जैसे कोई पेनल्टी या फाइन अगर आपको भरना पड़ा है देन ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो मतलब अगर आपने से रॉ मटेरियल मंगवाया है कोई शिप से या पोर्ट से तो कई बार आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है तो अगर मैंने कोई रॉ मटीरियल मंगाया शिप से कई बार वो शिप दस दिन खड़ी रहती है उधर के उधर ही और मेरे को वो मेरा रॉ मटेरियल लेने में थोड़ा डीले हो गया तो उसके लिए वो लोग डी मरेज एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस मांगते हैं दैट विल नॉट बी एडेड सो उसका नो no इफेक्ट आएगा डिटेंशन चार्जेस या पेनल्टी फाइन कुछ भरा है आपने तो भी उसका नो no इफेक्ट आएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट है एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज सो डिडक्ट क्या होने वाला है क्वांटिटी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट सब्सिडी या इंसेंटिव कुछ आपको मिल रहा है तो ठीक है

चीजें नो इफेक्ट में आएगी कौन सी चीजें एडेड टू द कॉस्ट में आएगी डिडक्टेड में ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट क्वांटिटी एंड सब्सिडी और ग्रांट नो इफेक्ट में कैश डिस्काउंट डी डिटेंशन चार्जेस पेनल्टी एंड फाइन एंड लास्ट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज में रोड टैक्स बेसिक कस्टम ड्यूटी कमीशन इंश्योरेंस एंड फ्रेट इन वर्स यह हो गया पूरा एक इंपैक्ट फिर बाद में आ जाता है टैक्स का इंपैक्ट तो में आ जाता है, पे IGST, अगर आपने जो है उस रॉ मटीरियल रॉ मटेरियल के ऊपर तो तो जीएसटी पे किया है, उसको आपको क्रेडिट मिलेगा तो अगर वो क्रेडिट मिलता है देन इन दैट केस दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉ कॉस्ट प्रोवाइडेड मैंने रॉ वो एड किया एग्जाम्पल देता हूं समझो रॉ मटीरियल आया एक लाख रुपए का उसके ऊपर अठारह परसेंट आपको जीएसटी पे करना है तो टोटल आपने वन कंपोनेंट तो क्या, क्या उस जीएसटी के ऊपर मेरे को credit मिलेगा yes. then, 1, 18, में से 18, हो जाएगा। Net cost मेरे लिए बच जाएगा वन लाखीज अभी क्लियर सो अगर क्रेडिट अवेलेबल है देन आई जी एस टी एस जी एस टी सी जी एस टी नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट उतना मेरे को माइनस कर देना है अगर मैंने इंक्लूड किया है जीएसटी और उसके ऊपर क्रेडिट मिल रहा है तो उतना को माइनस क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है तो बात खतम, example, मैं का पूरा एड हो जाएगा याद रखना ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है जीएसटी पेबल ऑन नेट प्राइस नेट प्राइस का मतलब होता है जो लिस्ट प्राइस है लेस ट्रेड डिस्काउंट जो बच गया उसके ऊपर आप जीएसटी पे करते हो

तो वो बोलते हैं कि सर सौ रुपया हुआ पाव भाजी का दस रुपया हुआ डब्बे का तो मैंने उसको टोटल एक सौ दस रुपए दे दिए बट वो बोलते हैं कि अगर आप ये डब्बा पाव भाजी खाने के बाद ये डब्बा आप रिटर्न कर दोगे तो दस रुपया मैं आपको रिटर्न कर दूंगा तो अगर ये रिटर्नेबल है देन इन दैट केस नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज क्यों क्योंकि मैं उसको रिटर्न कर दूंगा तो उतना पैसा मुझे वापस मिल जाएगा सो इन शॉर्ट मेरे को सौ रुपया जो पाव भाजी का कॉस्ट है उतना ही पे करना पड़ा बट अगर वो डब्बा दे रहा है और साथ में पाव भाजी दे रहे नहीं है तो एक सौ दस रुपया मेरे को चार्जेबल लग जाएगा नॉन रिटर्नेबल हुआ तो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज नॉन रिटर्नेबल हुआ तो added to the cost of purchase, right? Then. फिर बाद में आता है शॉर्टेज ऑफ मटीरियल इज वेरी अब अगर कोई नॉर्मल रीजन की वजह से शॉर्टेज हुआ तो से सिर्फाम्पल मैंने फाइव थाउजेंड रॉ मटीरियल फाइव थाउजेंड में से आ, से फाइव परसेंट मतलब टू फिफ्टी रॉ मटेरियल खराब होते हैं और वो निकलते ही है क्योंकि इवेपरेशन हो जाता है कुछ अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल कंडीशन बल्क में ऑर्डर करते हैं तो पांच परसेंट खराब निकलते ही है अगर इसकी वजह से हुआ है देन इन दैट केस इट इज टू बी द गुड यूनिट इसका मतलब क्या हुआ तो नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया तो समझो मैंने एक लाख रुपए का रॉ uh, मटेरियल मंगवाया ठीक है हंड्रेड यूनिट्स मंगवाया उसमें से टेन परसेंट खराब होते ही है जो मुझे पहले से बताया जो कस्टमर को भी बताया भाई या तो इवेपरेट हो गया जैसे पेट्रोल है या बल्क में मंगाया तो फाइव परसेंट खराब हो गया टेन परसेंट खराब होता ही है तो आप उतना माइनस कर दोगे तो नाइनटी यूनिट्स ही वो टोटल कॉस्ट को ऑब्जॉर्ब करेंगे मतलब टोटल तो कॉस्ट तो एक लाख लगा बट नाइनटी यूनिट उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे तो कस्टमर को अपन कितना चार्ज करेंगे वन थाउजेंड वन हंड्रेड पर केजी टेन वन लैक ,00 डिवाइड बाय नाइन्टी यूनिट आइडियली तो वन लाख डिवाइड बाय हंड्रेड यूनिट्स होना चाहिए था बराबर है तो अगर वो करता मैं तो वन थाउजेंड पर यूनिट आता बट बिकॉज उसमें से टेन नॉर्मल लॉस है जो कस्टमर को पता है तो वो टेन यूनिट्स का भी कॉस्ट काइंड ऑफ कस्टमर से अपन रिकवर कर सकते हैं तो इतना अपन लोग कॉस्ट में चार्ज कर देंगे बट अगर वो अब नॉर्मल लॉस हुआ अब नॉर्मल लॉस यानी अब नॉर्मल रीजन की वजह से खराब हुआ जैसे मिस हैंडलिंग पिल्फरेज पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी छोटी थेफ्ट या चोरी या और कोई अवॉइडेबल रीजन की वजह से देन कस्टमर वो कॉस्ट बेर नहीं करेगा इसका मतलब एक लाख का कॉस्ट लगा बट फॉर हंड्रेड यूनिट्स बट उसमें से टेन यूनिट्स खराब हो गए तो नाइनटी यूनिट्स ही बचे तो नॉर्मल में, में क्या किया लोग नाइनटी जो नॉर्मल लॉस हुआ है माइनस करके जो गुड यूनिट्स है वो पूरा का पूरा वन लाख कॉस्ट ऑब्जॉर्व करेंगे बट अब नॉर्मल में क्या होगा पूरा का पूरा जो वन लैख यूनिट्स है वो डिवाइड बाई हंड्रेड यूनिट होगा मतलब वन थाउजेंड पर के जी उसमें से कस्टमर को तो नाइनटी यूनिट्स डिलीवर होगा तो 90 यूनिट्स इंटू वन ही कस्टमर बैर करेगा तो 90,000 थाउजेंड मेरा कस्टमर से रिकवर हो गया बट सर मेरा कॉस्ट तो दस हजार एक लाख लगा है उसमें से कस्टमर से तो 90,000 ही रिकवर हुआ गया क्योंकि हम लोग कस्टमर से तो 1000 पर यूनिट ही चार्ज कर रहे हैं तो बाकी का जो टेन है वो कंपनी बैर करेगी एज अ पार्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस विच इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग पीएनएल कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट हुआ पीएनएल में अगर कोई भी चीज डेबिट होती है तो इट इज लाइक अ एक्सपेंस टू अस इट इज लाइक अ लॉस टू अस तो ये जो टेन थाउजेंड रुपीज है वो कंपनी बेयर करेगी सो so यहाँ पे बी एक्चुअल प्रोडक्शन में नाइनटी यूनिट्स हुआ है बट बिकॉज इट इज अब नॉर्मल लॉस जो टेन यूनिट्स है तो कस्टमर उसको बेयर नहीं करेगा तो वन लैख डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है हंड्रेड यूनि तो पर यूनिट का मेरा कॉस्ट लगेगा कस्टमर को तो 90 यूनिट, अगर मैं कस्टमर को दे रहा हूं नेट अच्छे वाले तो इंटू ,000, ,000 ही कस्टमर बैर करेगा कंपनी की गलती की वजह से हुआ है तो कंपनी उसको बैर करेगी वो टेन थाउजेंड इसको बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉस समझ में आ गया आप लोगों को तो बस वैल्यूएशन ऑफ मटीरियल रिसीच में यही सारी चीजें यार ये देख लो आप लोगों के सामने आईसीआई का है ये देखो ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को ऑफर लोग ने नॉन डिडक्टेड वाले में ले लिया सब्सिडी डिडक्टेड वाले में आ गया

Related AXE, an unregistered supplier under GST, purchased material from Y Limited, which is a registered supplier under GST. During the month,

समझ में आ रहा है प्लीज आप लोग ये आरटीपी डाउनलोड कर लेना मैं तो फ्लो में सितंबर 24 का आरटीपी करवा रहा हूं आईसीआई के उससे डाउनलोड कर सकते हो और मैंने जो नोट है उसमें भी मैंने दिया हुआ ये चीज तो यूल गेट अमाउंट डिपोजिटेड फॉर रिटर्न कस्टमर अमाउंट ऑफ रिफंड रिटर्न ऑन रिटर्न रिटर्निंग द कंटेनर मतलब आपने पाओभाजी के लिए पहले दस रुपए उसको डब्बे के दिए

तो नॉर्मल लॉस को अपन क्या करेंगे तो समझो ये देखो ये देखो दो मिनट में बताता हूं आपको सुनो मैंने टोटल फाइव थाउजेंड यूनिट ऑर्डर किया था बेटा सो मैं क्या करूंगा फाइव थाउजेंड यूनिट है उसमें से 20% मेरा क्या हो गया नॉर्मल लॉस हो गया तो ये 1000 यूनिट्स मैंने माइनस कर दिया बचा कितना 4000 यूनिट्स तो जो टोटल कॉस्ट है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट्स जो मेरे गुड यूनिट्स है ना दे विल बेर द टोटल कॉस्ट ये अपन लोग ने नॉर्मल लॉस में सीखा है नॉर्मल लॉस में सीखा है अभी क्लियर अब फटाफट एक बार देखो सोल्यूशन देख लेते हैं जो अपने को आईसीआई ने दिया है इट डन एंड देखो लिस्टेड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है फाइव थाउजेंड का टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और उसके बाद 40, अपना भी आया था GST, वो हम लोग ने पे ऐड कर दिया, टैक्स ऐड किया है ऐड ऐड किया है, किया है, बट डी मरेज और कैश डिस्काउंट को इग्नोर किया है क्या आपको कहीं पे भी डी मरेज दिख रहा है क्या आपको भी कैश डिस्काउंट कहीं पे दिख रहा है इग्नोर लिखा है ना आप लोगों को वो नोट्स में इट वर्क्स कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कस्टम कंटेनर्स देखो

इसमें से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा सेवनटी एट पॉइंट फाइव आ गया अगर ये अब नॉर्मल होता अगर ये अब नॉर्मल होता तो क्या करते हैं थ्री लैक फोर्टीन थाउसेंड डिवाइड थाउजेंड यूनिट होता है एंड उतना अपन लोग कस्टमर को चार्ज करते अभी कितना कस्टमर को चार्ज करेंगे आर वी क्लियर एवरीबॉडी सब लोग को यह चीज समझ में आ गई एनी क्वेश्चन परफेक्ट तो ये था वैल्यूएशन ऑफ मटीरियल रिसिप अच्छा एक डाउट आपको आ सकता है कि सर आपने ये जीएसटी तो टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया मैंने बोला हाँ बट सर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो उसने बोला है कि क्रेडिट अवेलेबल अरे एब्सोल्युटली करेक्ट भाई माना क्रेडिट अवेलेबल है माना यहां पे वो लोग ने लिखा है क्रेडिट अवेलेबल है देखो क्रेडिट अवेलेबल बट एक बात समझो अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है ठीक है देन इन दैट केस आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा कैफे तो अगर तो अगर आप एक्सी ट्रेडर हो अब आप एक्सी ट्रेडर हो और आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो आपने फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल परचेस किया वाय से तो वाई तो रजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो तो जीएसटी आपको दे रहा है बट आप जीएसटी का क्रेडिट ले ही नहीं पाओगे वो आपको जीएसटी का क्रेडिट सामने वाला देगा कैसे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा तो होगा नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देता हूँ कि भाई आप क्रेडिट तभी ले सकते हो जब आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो जीएसटी में तो आपको क्रेडिट मिलेगा कैसे एंड दैट इज इवन दो क्रेडिट अवेलेबल है ऐसे रॉ मटेरियल पे बट आप अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो देन इन दैट केस यू विल नॉट गेट द क्रेडिट बिकॉज यू आर ये ट्रिकी एडजस्टमेंट था जो अब अच्छा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एडजस्ट हो गया ओके सो डन इंडस्ट्रीड कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर बताना ये नोट्स कैसे लगे जरूर बताना आपको अगर uh, ये मैजिक बुक चाहिए देन डेफिनेटली यू नो यू कैन परचेज इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द कमेंट बॉक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द नोट्स कैसा लगा सेशन बताना कमेंट पे डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु विल वांट इट ठीक है चलो सो so कॉस्टिंग का बेस आप लोग का पक्का कर रहा हूं ताकि सीए फाइनल में जब आप आओ कॉस्टिंग एफ एम अच्छा रहेगा अपना सब्सक्राइब स्माइलिंग आपको और कुछ भी चाहिए तो जरूर बताना विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट